बाजी आइए ना बाजी, एक सेकंड वाली, एक सेकंड वाली, ओके ओके वन हां मैं हूं, मेरी ऐसा फोटो खींच रहा है, सर की बात तुम भी आ गए हेलो बाइट करें, बाइट करें, बाइट कर लो फटाफट, बाइट कर ले। पहले तो सेंटर में देख ले, पहले तो आकांक्षा जी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना आपको, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। किस तरह से देखते हो आज का दिन? आज का दिन तो ऑलरेडी ग्रैंड है एंड किंग मीका सिंह के साथ हूँ मैं, तो कोई भी चीज़ छोटी तो होनी नहीं चाहिए ना, सब चीज़ें किंग साइज होनी चाहिए, तो वैसे ही आज मेरा बर्थडे है, सो आई एम सेलिब्रेटिंग इट लाइक किंग साइज, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आई हैव ऑल द रीजंस। सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब एक्चुअली कल से हमारा जो सेलिब्रेशन चल रहा है वो भी रुक ही नहीं रहा है और अभी नहीं रुकेगा आई थिंक। नहीं रुकेगा। आजी आप क्या कहना चाहोगे? वेल मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा बिकॉज शी इज सच अ स्वीट गर्ल और आज बहुत स्पेशल दिन है, सो आकांक्षा भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ, प्यार, तरक्की और मेरे जैसा दोस्त है। क्या कहना चाहोगे इस फ्रेंडशिप को लेके, क्या कहना चाहोगे कि एक स्पेशल फ्रेंड जब इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करते काफी हैप्पीनेस होती है अंदर से, आपकी क्या फीलिंग है इसको लेके? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे कि उन्होंने मुझे यहाँ पे ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने दी एंड हर चीज में खुद इन्वॉल्व हुए, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड उनके साथ हूँ तो फिर पार्टी करने के रीजंस तो हमें मिलते हैं। बिल्कुल, आज की पार्टी मेरी तरफ से। शादी को लेके भी बहुत सारी बातें चल रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सभी फैंस के लिए? Because they are like very excited to know about it. Well, मैंने बोला शादी आजकल आउटडेटेड है, you know, जो भी शादी कराता वो पछताता ही है, तो हम दोनों पछताना नहीं चाहते, हम अपने एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे फ्यूचर में करना क्या है,
बट फिलहाल शी इज वेरी बिजी. जब से ये स्वयंवर जीती है उसके बाद बट आज का दिन स्पेशल था तो मैंने बोला या नहीं आज तो हम कोई काम नहीं करेंगे, आज सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन, पूरा दिन इनका सिर्फ मेरे लिए है. पर इस तरह शो को प्यार मिला है सर जी. हम मीका दी वोटी और वोटी हमारे सामने जी, मीका दी वोटी. क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, लोगों आपको भाई मानते और भाभी जी को जिस तरह एक्सेप्ट किया है, काफी खुशी होती है सर. आप क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान ने ये शो को बहुत पसंद किया एंड शो में अच्छा फॉर्मेट था, काफ़ी और भी कंटेस्टेंट आए थे बट एज यू नो कि मुझे आकांक्षा शुरू से बहुत पसंद थी और इसने जो वहाँ पे आके एंट्री मारी है धमाकेदार एंट्री जिससे मैं बहुत एक हैरान और परेशान हो गया था बिकॉज क्या होता है कि ऑलरेडी आकांक्षा का बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी इसके वीडियोज़ भी हैं तो एज ए कंटेस्टेंट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाकी गर्ल्स के साथ बट शी डिड एनीथिंग फॉर यू. आई थिंक मुझे नहीं लगता, स्पेशली मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री ने तो इनिशिएटिव लिया है. जब अब वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही है, बड़े आप गंगूबाई कोई भी मूवी लें आजकल हीरो हीरोइन वाली बात नहीं होती. मुझे लगता है स्क्रिप्ट ही आपका हीरो की बात करें तो डार्लिंग्स आज के डेट में सुपर हिट मूवी है जिसके अंदर आलिया भट्ट सॉन्ग भी है ना, इसलिए सुपर हिट मूवी है. पाजी आप दोनों का और दूसरा एक और मूवी आ रही है जहाँ चार यार और उसका गाना जस्ट 29th को ही हम रिलीज कर रहे हैं, परसों गाना आ रहा है, वो भी सारी स्टोरी गर्ल्स के ऊपर. 100% है और इनिशिएटिव तो ये हमारी इंडस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ है. जब अब स्क्रिप्ट ही आपका हीरो है, वो हीरोइन हो, फीमेल हो, मेल हो, ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत आउटडेटेड हो. पाजी आपको और आपकी वोटी को साथ में एक नया प्रोजेक्ट में देखने हम बहुत बहुत, बहुत जल्दी 29 को जो प्रोजेक्ट है उसमें मैम भी है, क्या कहना चाहोगे? एक गाना स्पेशल सेक्शन में पढ़ रहा था, एक गाना स्पेशल हमारा आ रहा है जो कि अभी सरप्राइज है और बहुत अच्छा सरप्राइज, अच्छा गाना होपफुली वो जल्दी आने वाला है एंड आई एम श्योर आपको वो गाना अच्छा लगेगा क्योंकि जब कुछ पहला करेंगे तो वो धमाकेदार तो हो गए. बिल्कुल आज जो भी गेस्ट आ रहे हैं जैसे अलीशा जी आए हैं, आई थिंक बहुत सालों बाद वो ऐसी किसी पार्टी में आते हैं तो मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करा बिकॉज इनको वो गाना सुनना है तिन तिन का तिन तो का. ये एक मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट था, सरप्राइज गिफ्ट था. और भी काफी सिंगर्स आ रहे हैं एंड आज पूरा सिंगिंग होगी और मस्ती होगी. पर पाजी एक आप गाना गा दो तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा एक हमारे दर्शकों के लिए और मैम के लिए एक गाना गा दीजिए पाजी. दिल सीधा साधा ना समझा इसका चल कर गई डिच में नुकुड़ी एक कल. दिल सीधा साधा ना समझा इसका चल कर गई डिच में नुपूरी एक कल कनेडा वाले मुंडे नाल हो गया फरार. My bad luck. What the luck? ये What the luck is coming? मूवी का सॉन्ग प्रमोट करें गाइस, इसकी एक एक लाइन को प्लीज रिलेट करना. प्रमोट नहीं कर रहा मैं, गा रहा हूं. चलो आप अभी कंटिन्यू करो. थैंक यू सो मच, आप सभी थैंक यू फॉर कमिंग गाइस फॉर माय बर्थडे. थैंक यू गाइस.